बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नोमान एंड ज़ोहेब ट्यूटोरियल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजी का। तो जो है फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन इसलिए करना है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने जो है नाइन्थ में बायोलॉजी का जो है थोड़ा बहुत उनको इंट्रोडक्शन का पता नहीं, तो वो फर्स्ट ईयर का देखे। अगर फर्स्ट ईयर का भी जो है इंफॉर्मेशन उनको कम है तो यहां पर देखेंगे। ओके बेटा, तो यहां इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी का। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम बायो फर्स्ट ईयर का। तो टॉपिक हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी, ठीक है बेटा। बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, कंसिस्टेंस ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से हैं भाई वो ग्रीक वर्ड्स? नंबर वन पर है बायोस और नंबर दो पर है लोगोस। अब ये जो बायोस है इनकी मीनिंग है लाइफ और जो लोगोस है इनकी मीनिंग है स्टडी। अब यहां पर हम डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। कैसे डेफिनेशन हम डिफाइन कर देंगे इस बायोलॉजी को? बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है, ओके? ये बात याद रखना, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। भाई बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या होता है कि लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? जो दो वर्ड पे मुश्तमिल है, कौन सा? एक बायोस जिसकी मीनिंग है लाइफ और दूसरा है लोगस जिसकी मीनिंग है स्टडी। अब बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जो लाइफ के बारे में इंस्ट्रक्शंस और लाइफ के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है? तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई लाइफ क्या है, ओके? तो यहां पर लाइफ को थोड़ा डिफाइन करेंगे। लाइफ दोस व्हिच हैविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक जिस चीज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं। जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो उसको हम लाइफ बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम बोलेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जिसकी बॉडी के अंदर फूड की मेटाबॉलिज्म हो तो उनको हम लाइफ बोलते हैं, ठीक है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स की तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो उनको हम लाइफ बोलते हैं, ठीक है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्चुअली इज ऑफ टू टाइप। एक है हमारा एनाबोलिज्म और दूसरा है हमारा कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म में क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी में हैं, वो होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स
converts into the larger. ठीक है, अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ये जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं या फूड सबस्टेंस हैं, फूड पार्टिकल्स ब्रेक्स डाउन, ठीक है, इनटू द एब्जॉर्बड कंडीशंस. तो इनको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल. अब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल किसमें होता है, ब्रेकिंग डाउन किसमें होता है, जिसमें लाइफ हो, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक. अच्छा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दो काइंड्स हैं, कौन कौन से, एक एनाबोलिज्म, दूसरा कैटाबोलिज्म. एनाबोलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल में. अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, फॉर द गेटिंग द सेल फॉर द एनर्जी, यूटिलाइज दीज फूड पार्टिकल्स फॉर द एनर्जी, इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी. तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो यहां पर और क्वेश्चन अराइज हो रहे होते हैं, कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, कि भाई सबसे पहले जो है लाइफ के बारे में स्टडी किसने की, बायोलॉजी सबसे पहले जो है वर्क करना स्टार्ट किसने की, तो ये पढ़ेंगे. तो बेटा सबसे पहले जो है बायोलॉजी वर्ड, जो सबसे पहले फर्स्ट कॉइन किया था, किसने कॉइन किया था बेटा, एक नेचुरलिस्ट था, नेचुरलिस्ट था, क्या नाम था उनका, लेम मार्क, यहां पर लिख रहे हैं, लैंडमार्क, एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड कॉइन किया था. ठीक है, तो ये नेचुरलिस्ट किसको बोलते हैं, दोज हु नोज अबाउट नेचर, नेचर के बारे में जो नॉलेज रखने वाला हो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्ट. तो नेचर के बारे में जो नॉलेज रखने वाला साइंटिस्ट था जिनका नाम था लेमार्क, उसने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, यह बात याद रखना. अच्छा, अब आ रहे हैं उनके बाद सबसे पहले जो है बायोलॉजी पे वर्क किसने स्टार्ट किया था, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था अरिस्टोटल, ही वॉज अ फर्स्ट हु वर्क ऑन द बायोलॉजी, ये फर्स्ट मैन था जो सबसे पहले बायोलॉजी पे वर्क किया था इस साइंटिस्ट. तो इसको इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक हो गया. अच्छा, उनके अलावा आगे चल रहे हैं कि भाई जो बायोलॉजी है उसको कितने वर्ड्स में डिवाइड किया गया, तो इनको ठीक हो गया बेटा. तो उसके बाद जो है बायोलॉजी में लोगों ने फर्क देखे, लाइफ के बारे में लोगों को नॉलेज मिल गई, उनके अलावा जो है ज्यादा खोज हुई बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी को और भी ऐसे के एडवांस मिल गई, बायोलॉजी को और भी जो है चांस मिल गया एडवांस जाने के लिए. तो बायोलॉजी को स्लोली एंड ग्रेजुअली डिवाइड किया दो पार्ट, ठीक है, बायोलॉजी इनिशियली डिवाइड हुआ दो ब्रांचेस में. वो कौन कौन से ब्रांचेस थे, एक रहा हमारा बॉटनी और दूसरा रहा हमारा जूलॉजी, ठीक है. तो ये मेन ब्रांचेस थे किसके, बायोलॉजी के, उस टाइम डिवाइड किया, ठीक है. तो जो बॉटनी था वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी, प्लांट की, प्लांट की साइंटिफिक स्टडी जिसमें होता था वो बॉटनी में, ठीक है. और दूसरा जो है हमारा क्या था, जूलॉजी, दूसरा हमारा जो ब्रांच था वो क्या था, जूलॉजी,
अब देखिए इसमें क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल दैट इज नोन एज द जूलॉजी। ठीक है, तो ये बात नहीं। और जूलॉजी जो दो मेन डिवीजन थे किनकी, बायोलॉजी की। अब उनके अलावा जो है यहां बॉटनी में फर्दर थोड़ी सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया था। और कौन कौन से थे, जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जिसमें बॉटनी के जो प्लांट्स थे उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की जाती थी। और उनके अलावा ग्रोथ था, ये सब टॉपिक थे बॉटनी के इनिशियल में। ठीक है, जिसमें ग्रोथ भी सब टॉपिक था बॉटनी का, जिसमें क्या स्टडी की जाती थी, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्टडी की जाती थी। और रिलेशनशिप्स थे, अच्छा रिलेशनशिप्स में क्या होते थे, स्टडी होती थी किनकी, प्लांट की दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ कौन से रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अच्छा उनके अलावा जूलॉजी को भी ऐसे सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया था इनिशियल में। और वो कौन कौन से सब टॉपिक थे, मिसाल के तौर पर इनकी हैबिटेट, जिसमें स्टडी की जाती थी कि भाई एनिमल्स कौन कौन से हैबिटेट में रहते हैं, कौन कौन से लोकेशन में रहते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती थी। ये सब टॉपिक थे इनके जूलॉजी के। और उनके अलावा रिप्रोडक्शन भी था इनका, रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि एनिमल की रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाती थी इसमें। ठीक है, ये सब टॉपिक था किसका, जूलॉजी का। और उनके अलावा हैबिट्स, हैबिट भी जो था वो सब टॉपिक था किनका, जूलॉजी का, जिसमें क्या होते थे जो एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाती थी। प्रॉपर्टीज मीन्स खासियत देखी जाती थी कि कौन से एनिमल की कौन कौन सी खासियत और करेक्टर्स हैं, वो हैबिटेट्स में उनकी स्टडी की जाती थी। और उनके अलावा इनकी ग्रोथ भी, और उनके अलावा एम्ब्रियोलॉजी भी था इनका, इनकी एम्ब्रियोलॉजी भी था। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता था, इनकी डेवलपमेंट देखी जाती थी किनकी, एनिमल की, फ्रॉम द यू नो फर्टिलाइज्ड ओवम टू द फीटस तरह, ये जितने भी इनकी डेवलपमेंट होती थी एम्ब्रियोलॉजी की, उनकी स्टडी भी की जाती थी जूलॉजी में। ये सब टॉपिक था किनका, जूलॉजी का। अब यहां पर कुछ जो थोड़े पूरा क्वेश्चन अराइज हो रहे होते हैं कि भाई क्या उस टाइम बायोलॉजी को थोड़ा आगे एडवांस नहीं मिली थी, एडवांस बिल्कुल मिली थी उस टाइम इनिशियल में भी। तो सबसे पहले जो है जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वही चीजों उस लाइफ की स्टडी की किया करते थे जिसमें उनको जो है ना नेट आय के थ्रू जो चीजें मिलते हो, प्लांट मिले या एनिमल्स मिले। और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो एक छोटा सा जो माइक्रोस्कोप जो है कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिनका नाम क्या था बेटा, लियोनहुक माइक्रोस्कोप, आर स्टैंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है इसको। अच्छा उस टाइम जो है ये छोटा सा माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया गया था उस टाइम, वो बिल्कुल छोटा होता था, उनको स्टैंड भी छोटी सी हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था छोटा सा होल भी हुआ करता था। अब क्या करते थे, उस होल के बिल्कुल बैक साइड पर क्या होता था, एक स्पेसिमेन का एक स्टैंड लगा होता था। अब वो क्या करते थे, यहां पर कोई भी सैंपल मिट्टी हो या कोई पानी का ड्रॉप हो, जहां पर उस टाइम साइंटिस्ट को शक होता था कि भाई यहां पर लाइफ हो सकती है, उस ड्रॉप को उठाकर इस जो स्क्रू था, इस स्क्रू के ऊपर उस ड्रॉप को या सैंपल को रखते थे, नीचे से उनको स्क्रू लगी हुई होती थी, उनको क्या करते थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनको मूव करते थे, तो यहां पर उनका होल होता था। यहां पर मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा रहा हूं, तो क्या करते स्क्रू को क्या करते थे, मूव करते थे। जैसे ही स्क्रू को मूव करते थे जो ये स्टैंड था वो अपवर्ड मूव होता था, ऐसे जैसे ही अपवर्ड मूव होता था तो आंख से यहां पर ऐसे रख के उनको देखा जा सकता था, उस सैंपल को जो मिट्टी के सूरत में हो या पानी की सूरत में हो, तो उनको देखते थे कि इस पानी में या इस मिट्टी में क्या छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं या नहीं। तो
ये लियोनहुक जो माइक्रोस्कोप था बिल्कुल छोटा, सबसे पहले इनको स्टैंड किया गया था। तो उसके बाद जो है माइक्रो जो बायोलॉजी है उनका भी कॉन्सेप्ट आ गया था। तो मींस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी में की जाती थी। अच्छा, उनके अलावा अब देख, ठीक है, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर जो है ना बहुत बड़ा जो है मेहनत की है उसको। मिसाल के तौर पर जो बॉटनी था, बॉटनी का उस पर ज्यादा जो वर्क किया, थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट था, उसने ज्यादा वर्क किया था बॉटनी के ऊपर, प्लांट की स्टडी ज्यादा की, अल्जीज की स्टडी उस टाइम इसने ज्यादा की थी। तो अल्जी की कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कम थे, अल्जी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आ गया था, ये सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए करते थे उस टाइम, ठीक है। तो इसको जो है फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, दैट्स ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। अच्छा, उनके अलावा जो जूलॉजी में ज्यादा वर्क किया, जो जूलॉजी पे ज्यादा फोकस्ड करके वर्क किया, मेहनत की और ज्यादा जो है ना उस पर खोज किया, तो वो था हमारा अरिस्टोटल। जी हाँ, अरिस्टोटल, ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट भी था। तो ये जो ना ज्यादातर नॉन की जाती थी जूलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। तो इनको जो है ना फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी पे इसने बहुत सारा वर्क किया था। अच्छा, उनके अलावा जो मॉडर्न मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो था वो मॉडर्न बायोलॉजी के जो है फादर है। ठीक है, तो जो ओल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी जो था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं फादर ऑफ बायो वो कौन थे, अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल। उसके बाद जो ना ज्यादा जो वर्क किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो इसलिए इसको मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो इनको जो है ना एंशियंट फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो बॉटनी का जो फादर था इसने ज्यादा वर्क किया वो थियोफ्रास्टस है, फादर ऑफ बॉटनी, जितना जो है ना बॉटनी में इसने वर्क किया था। और उनके अलावा अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी है, और मॉडर्न जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो हमारे चार्ल्स डार्विन।